इस वक्त रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्योतिनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राजधानी के ज्योतिनगर थाना पुलिस की कार्रवाई, एटीएम मशीन को तोड़कर लूट का प्रयास करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बदमाशों ने SBI के ATM को निशाना बनाने की कोशिश की थी, पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस की मुस्तैदी से बड़ी लूट की वारदात टल गई। आपको बता दें कि ATM में करीब 35 लाख रुपए रखे हुए थे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा। यादवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? पूरा गिरोह जिसने ATM की तोड़फोड़ कर लूट की कार्रवाई को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से बड़ी वारदात टल गई। बिल्कुल आशीष, एक बड़ी वारदात है वो यहाँ पर टल गई थी। पूरी देर रात की घटना थी जब 3 जो बदमाश थे, जो ज्योतिनगर थाना इलाके के अंदर जो SBI का जो ATM है उसको इन तीनों बदमाशों ने निशाना बनाने की कोशिश की थी। नकद के जरिए और साथ में कटर मशीन के जरिए ये तीनों जो बदमाश थे गाड़ी के अंदर आए थे और ATM के अंदर ही इन्होंने प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद इन्होंने उसमें तोड़ाफोड़ी करने की कोशिश करी और तोड़ाफोड़ी करने के बाद ATM में से जो रुपए थे उसको यहाँ पर निकालने की कोशिश करी। मगर लगातार जो जिस तरीके से देखा गया है कि इन दिनों जो पुलिस की जो टीम है वो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और रात के 11 बजे से लेकर के सुबह तक इनकी जो पेट्रोलिंग जो करने वाली जो टीम है वो लगातार गश्त पे रहती है। जी, जब उन्हें ये जानकारी मिली कि ATM के अंदर कुछ बदमाश है जो घुसे हुए हैं, क्योंकि एक अलार्म था जो बैंक के जो प्रबंधन था उनके पास पहुंच गया था। अलार्म प्रबंधन के पास जैसे ही इसका अलार्म की जो घंटी बजी उसके बाद पुलिस के कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और उसके बाद ज्योतिनगर थाना पुलिस की टीम की तुरंत महज 5 मिनट के अंदर वहां मौके पे पहुंची। मगर जो बदमाश थे पुलिस को देख करके फरार हो गए। जी, मगर जब पुलिस ने रात बिल्कुल यादवेंद्र संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, बदमाशों को पकड़ने में किस प्रकार से पुलिस ने सफलता हासिल की संक्षेप में? देखिए आशीष, बिल्कुल CCTV फुटेज जो एनालाइज किए गए तो CCTV फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की जो पहचान हो गई थी। इसके अलावा तकनीकी टीम का यहाँ पर सारा लिया गया। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यादवेंद्र। ये थे हमारे संवाददाता यादवेंद्र, जिन्होंने बताया कि पुलिस ने तकनीकी जानकारी के आधार पर